सो हेलो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं आपने थंबनेल पे देखा होगा कि हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ स्टेयरकेस। तो हमारे पास फ्लैट का वैल्यू है 250 mm और हमारा राइज है 150 mm। ठीक है, तो हमारा राइज और ट्रेड क्या होता है, ये हमारा जो वर्टिकल रहता है उसको राइज बोलते हैं, और जो हॉरिजेंटल रहता है वो हमारा ट्रेड रहता है। तो ट्रेड हमारा क्या है, 250 mm, और राइज हमारा है 150। तो यहाँ मैं 250 लिख दिया और यहाँ 150 लिख दिया। अगर इनकेस मेरे को अल्फा का वैल्यू निकालना है, मेरे को स्लोप निकालना है, तो मैं इसको ऐसा ले सकता हूँ इमेजिनेशनर बना के। ठीक है, ऐसा लिया तो इसको मैं जो वर्टिकल है मेरा, ये मेरा 150 हो जाएगा। जैसे कि ये राइज है जो हमारा, देख सकते हैं, तो मैंने 150 लिया, और मेरा ये हॉरिजॉन्टल कितना, 250, 250 का है, 250 mm का ट्रेड। तो मेरा ये भी पार्ट अपना कितना होगा, 250 हो जाएगा, और ये मेरा स्मॉल अल्फा निकलेगा। तो मेरे पास वैल्यू निकल गया, अपोजिट टू एडजेसेंट निकल गया। तो हमारे पास फॉर्मूला है, टेन अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। हमारा अपोजिट क्या है, राइज है, तो राइज डिवाइड बाय ट्रेड। तो हमारे पास राइज कितना है, 150 डिवाइड बाय 250। तो इसकी वैल्यू आती है 0.610 अल्फा। अगर मेरा अल्फा का वैल्यू निकालना है तो मेरा 10 उस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये इनवर्स में आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 13.96, जो अप्रोक्सीमेट हम 31 डिग्री ले सकते हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड क्या बोलता है, स्टेयरकेस स्लोप ऑफ स्टेयरकेस ऑलवेज 30 डिग्री टू 37 डिग्री तक रहता है। तो इससे मैं चाहता हूँ कि अपना स्लोप ऑफ स्टेयरकेस कैसे निकालते हैं, देख सकते हैं गाइस आप।